नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय पल्ला है। हम लोग द वे वी वर, हम जैसे थे, फार्म्स नोएडा में बैठे हैं इस वक्त और हम आपसे आप एक छोटा वीडियो शेयर करेंगे ऑन नेचुरल फार्मिंग, मोर स्पेसिफिकली ऑन ब्लॉक फ्लोइंग। हम अभी उड़द और मूंग के खेत में बैठे हैं जो 3-4 दिन पहले हार्वेस्ट हुआ है, उसको हम बैलों से जोत रहे हैं। बैलों से जोतने की इम्पोर्टेंस हैज़ बीन लॉस्ट ऑन अस। देर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द सॉइल टू योर हेल्थ। आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री टू दैट। हमारा सॉइल टोटली डिग्रेड हो गया है, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। जब हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं तो रोटावीटर वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारा क्ले, सिल्ट एंड मड का रेशियो ख़राब हो जाता है। उसके दूसरे नुकसान है जब वो रेशियो ख़राब हो जाता है। उसके बाद अब उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सब डालते हैं तो आपका केमिकली डैमेज हो जाता है सॉइल, और बायोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि जो आपके जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब मर जाते हैं तो बाहर के पक्षी वगैरह भी नहीं आते। सो व्हाट ट्रैक्टर इज़ एक्चुअली इंटरफेयरिंग इन द इको बैलेंस, इट इज डिस्ट्रॉइंग द इको बैलेंस। अ बुलॉक प्लोइंग मेंटेन्स द इको बैलेंस। बुलॉक वाइल स्टिलिंग, वाइल प्लोइंग, इज पुटिंग इज डंग एंड यूरिन इन टू द सॉइल। There are a lot of other advantages, environmental advantages. There is no sound pollution, there is no air pollution, there is no burning of fossil fuel. Those are tangible gains. But the best gain is your soil remains physically, chemically, biologically active. And that soil will produce good, high density nutrient food. This is all I have to say. Understand the importance, please, of bullock plowed farms. Talk to the farmers, insist consumers should contact with the farmers and say we want, first thing is natural farm foods, the bullock plowed fields. It has a great impact on your health. Thank you.